प्रत्याशी या दावेदार गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जड़ से जुड़े हैं। जनता के निर्णय गलत रहा, ये जनता स्वयं महसूस कर रही है। कि हम अपन मालिक नहीं चुने हैं, हम अपन सेवक चुने हैं। नेता शब्द बदनाम है। अब ये प्रश्न नहीं, हमार कर्म भूमि तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र है। जनहित की योजना है, उनका जन जन तक युद्ध स्तर पर पहुंचावे के प्रयास की जाए। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। 2023 विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। जिन्हें अवसर मिल चुका है वह अपने पुराने कार्यों को दिखाने और किए गए वादों को पूरा ना कर पाने की कमियों को छिपाने में जुटे हैं, और जिन्हें अवसर नहीं मिला है वह जनता के साथ अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा करना जरूरी है। वहीं आज चुनाव जीतने के बाद ज्यादातर जनप्रतिनिधि भाई भतीजावाद विशेष वर्ग अपने चहेते चाटुकारों में व्यस्त हो जाते हैं और इन्हीं का विकास करते हैं, जिसके चलते जनता ठगी की ठगी रह जाती है। रीवा जिले का महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है गुड़, जहां 2 नगर पंचायतों के साथ 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। शहर से चंद किलोमीटर दूरी से इसकी सीमाएं लगती हैं, लेकिन आज भी यह क्षेत्र उपेक्षित है। इस क्षेत्र से बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन आज भी समुचित विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके और दोनों चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को लोहे के चने चबाने वाले और भैया साहब नाम से चर्चित कपिध्वज सिंह से हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने वर्तमान राजनीति और क्षेत्र के विकास के साथ उनकी आगे की रणनीति और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल जवाब किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से 2 बार चुनाव लड़े और किस तरह से उनकी नजर में क्षेत्र उपेक्षित है। इस उपेक्षा का जिम्मेदार कौन है और उन्हें अवसर मिलने पर उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, जानते हैं। आज हमारे साथ है कांग्रेस नेता कपिध्वज सिंह जी। कपिध्वज सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, क्षेत्र में लगातार भ्रमण में है, इसके बाद भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्षेत्र के लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। आपने देखा होगा तो कौन से ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जो चीज़ें अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं दे पाए, उनकी क्षेत्र के लोगों के पास आवश्यकता है, कमी है क्षेत्र में? अभी तो मूलभूत सुविधाओं के बहुत बड़ा अभाव है। देश के 75 वर्ष स्वतंत्रता के बाद कई ऐसा पंचायत और गांव हैं जहां सड़क मार्ग तक उपलब्ध नहीं है लोगों के पास। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। विद्यालय भवनन की स्थिति खराब है, और भवन यदि हैयो हैं तो शिक्षकन के पता नहीं है। यह हाल स्वास्थ्य के है। अस्पतालन की स्थिति जर्जर है और चिकित्सक लापता हैं। तमाम मूलभूत सुविधाएँ से क्षेत्र वंचित है। सरकार द्वारा कथित तौर पर कई लाभकारी योजना चलाई जाती है, परंतु धरातल पर जब देखा जाए तो जो लोग वह योजना के वास्तविक हकदार हैं उन तक कोई योजना पहुंची नहीं है। जो लोग पात्रता नहीं रखा है उनके पास सब कुछ है, और जो सुविधा के पात्रता रखा था उनके पास कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य यह बात की है कि क्षेत्र के जनता अपन प्रतिनिधि तो चुन लेती, परंतु जब अपने समस्या के निराकरण के प्रश्न आवत है तो समस्या के पास वो जनता जाए ऐसा कौनो व्यक्ति मिले नहीं। और क्षेत्र में जनता का वो सुविधा, वो योजनान के लाभ मिले या दिशा में अभी तक कौनो जनप्रतिनिधि ऐसा कौनो काम करे नहीं है। जनता तो चाहती है, विकास चाहती है, यही कारण था कि कांग्रेस से कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, बीएसपी सबको अजमा चुकी, इसके बाद भी ठगी है। तो क्या लगता है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है कि वहाँ की आवश्यकताएं? जी, जहाँ तक प्रश्न गुड़ विधानसभा क्षेत्र के है तो निसंदेह वहाँ के जो उपेक्षा है वहाँ के जनप्रतिनिधियों के कारण है। क्योंकि अभी तक गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनता जिन लोगों का आशीर्वाद दी सी अपने सेवक के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में,
वो सब गुड़ विधानसभा क्षेत्र के बाहर के रहने वाले हैं और बाहर के होए के नाते उनका क्षेत्र से क्षेत्र के जनता से कोनो भावनात्मक लगाव नहीं है और प्रतिनिधित्व मिले के बाद वो जनता के प्रति अपने दायित्व के बारे में बहुत गंभीर नहीं आई और यह गुड़ विधानसभा क्षेत्र के दुर्भाग्य रहा है। जो प्रत्याशी या दावेदार गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जड़ से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, उनका अभी तक अवसर नहीं मिला और संभवतः यह सबसे बड़ा कारण है कि गुड़ के जनता के कोनो सुनवाई नहीं, गुड़ क्षेत्र के विकास के दिशा में कोनो प्रयास नहीं। आपने पहली बार चुनाव लड़ा, सीटी बजी और कांग्रेस को फायदा मिला, चर्चा रहा क्षेत्र में कि आपका ही फायदा कांग्रेस को मिला। दूसरी बार आप साइकिल चली तो बीजेपी को फायदा मिला। कहाँ कमियां रह गई थी जो क्षेत्र के लोगों को लगता है कि अब तीसरी बार अगर आप आते हैं क्या रह गया? क्या आपने अभी मंथन किया कि पिछले पांच बार फिर पांच बार में कहाँ क्या रह गया? देखिए, हम तो अपने काम का सेवा के रूप में देखी थे, कोहो के लाभ हानि के तिर हम न तो कार्य करी थे और न यह दिशा में हम सोची थे। हमारा उद्देश्य तो जनता की सेवा, जनता की सहायता करे के उद्देश्य से है और हम यह माने थे कि निर्दलीय होए के बादो क्षेत्र में जनता के द्वारा अपार स्नेह और आशीर्वाद हमका प्राप्त भा, ओके खितिर हम अपन सौभाग्य मानी थे। बहुत सारी ऐसा बात रही है चुनाव में जिसके कारण दूसरे प्रत्याशी का फायदा मिल गया, उनका मौका मिला और जनता शायद उनका उपयुक्त समझे तब इसे अपन सेवा करे के मौका दीस। परंतु पांच साल बीते के बाद ये समझ में आ रहा है कि जनता के निर्णय गलत रहा, ये जनता स्वयं महसूस कर रही है और यह क्षेत्र में अपना जाप तो यह अपना का आभासा हुई। इस बार आर पार का होना चाहिए, दो बार हो चुके, बिल्कुल करीबी रहा मामला दोनों बार, जोर शोर की लड़ाई होनी चाहिए। क्या मुद्दे थे, कैसे थे, उन पर अभी क्या फोकस किया गया, अभी भी आप देखें? देखिए, मुद्दा जैसा हम अपने से निवेदन किए हैं कि अबे तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है गुड़ विधानसभा के वह विकसित नहीं है। आज इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट गुड़ में स्थापित भा और जब यह कार्य योजना के शुभारंभ भा तब लोगन का यह लालसा दीन गए, उम्मीद दीन गए कि स्थानीय लोगन का, स्थानीय युवकन का यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और जब जन सहयोग से यह योजना यहाँ स्थापित भय तो आज की वास्तविकता यह है कि कोनो स्थानीय युवकन का यहाँ रोजगार की स्थिति नहीं है और 80-90% बाहरी लोग यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यह मेर पहाड़िया माँ कचरा प्लांट लगाए दिन का वहाँ के जनभावना के विपरीत और उसे वो योजना से वो क्षेत्र का कोनो लाभ नहीं मिल रहा है। योजना आवे के पहले सरकार द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा जनता का छला जाता है और झूठी सपना दिखावा जाता है कि यह विकास हो या ऐसे यह योजना से अवसर मिली ही, परंतु जब वो योजना स्थापित हो जाती तो जनप्रतिनिधि के जो कुछ पसंदीदा लोग रहते हैं सिर्फ उनका वो फायदा मिला था। रीवा जिला में तमाम ऐसा क्षेत्र हैं जहां सरकारी भूमि उपलब्ध है जो आबादी रहित हैं। कचरा प्लांट के जो दुष्परिणाम है ये हम सब उसे जानकारी रखी थे कहा है और बहुत स्वाभाविक चीज है कि ऐसा प्लांट के स्थापना उन जगह पर हो चाहिए जो आबादित रहित हो और ऐसे क्षेत्र के ऐसे स्थानन के कोनो रीवा जिला में कमी नहीं आए। परंतु ये कारण समझ में नहीं आवे कि काहे एक घनी आबादी के बीच में, जब अपना पहाड़िया का देखब तो पहाड़िया ग्राम पंचायत एक घनत्व एरिया है, चार पांच पंचायत एकदम एक दूसरे से सटी हैं। अपना एक पंचायत से कब दूसरे पंचायत प्रवेश करी थी अपना का पता ना चली, तो ऐसा घनी आबादी वाले स्थान पर ले जाए कि कचरा प्लांट का स्थापित करब और वहाँ के लोगन का उसे कोनो लाभ न देब, यह कौमेर के जनहितकारी योजना है या समझ से परे। जहाँ तक जनहितकारी की बात आपने किया, अभी एक बीच में ऑडियो वायरल हुआ, आपके महासाओं क्षेत्र का व्यक्ति था और बिजली की समस्या को लेकर आपके वर्तमान में जो विधायक है नागेंद्र सिंह जी से बात करता है और सीधे सीधे कह देते हैं कि जो करना हो कर लो, मैं इसके लिए प्रत्याशी नहीं या चुनाव नहीं लड़ा। छोटा सा उदाहरण है, जब इस तरह की सामने बात आई तो ऐसा लगता है कि आप चुनाव में पहुंचे, चुनाव जीता, इसके बाद फुर्सत हो गए, लाभ देने लगे, तो ये भी उपेक्षा का कारण है
किस तरह से लोग आप चार महीने जाते हैं, जैसे चार चुनाव जीता इसके बाद उपेक्षित कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, उसी का कारण है। यह सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसा स्थायित्व तो व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे लड़े लिए लड़े, उसका दर्द होना चाहिए, ये भी कारण। अवश्य जो अपना कह रहे हैं, हम तो ये माने थे कि जनता के प्रतिनिधित्व करे के जेखा अवसर मिलत है, संभवतः वो अपन दायित्व नहीं जान रहे या प्रतिनिधित्व के अवसर मिलने के बाद वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कौनो जन प्रतिनिधि का जनता अपने से तो नहीं चुने, जब मैदान में अपना जा प्रत्याशी बनो तब चुने, और जेखा यह अवसर मिलत है वो यह बात तो कह नहीं सके कि यह काम हमारा ना हो। जनता और सरकार के बीच के तमाम समस्त काम जो कुछ हो उखर जवाबदारी उखर दायित्व जनप्रतिनिधि के, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे ट्रांसफार्मर की समस्या हो, क्षेत्र में कितनी बीमारी फैला थी, जितनी योजना है स्वास्थ्य के शिक्षा के, उमा तमाम योजनान के सरकार और जनता के बीच के सेतु के काम करे के काम एक जनप्रतिनिधि के है, और वह दायित्व से ही बच नहीं सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक विधायक या सांसद या कोनो जनप्रतिनिधि जनता के सेवक है सही मायने में, परंतु जब चुनाव परिणाम आ जाता है जेखा सेवा करे के अवसर मिलत है, वह जीते के बाद मालिक बन के या तानाशाह बन के जनता के ऊपर आचरण करे लागत है। और हमारी प्रयास रहा था कि जनता जागरूक हो या ये समझे कि हम अपन मालिक नहीं चुने हैं, हम अपन सेवक चुने हैं, और जब जनता मजबूती से खड़ी हुई अपने दायित्व अपने अधिकार का समझी और जनप्रतिनिधि के दायित्व का समझी, वह दिना राजनीति की स्थिति बदली। नेता आज बदनाम है, नेता शब्द बदनाम है, कहाँ ना कहाँ उसके पीछे नेतन के आचरण है। गुड़ विधानसभा जहाँ तक मुझे जानकारी है तो पहला गुड़ विधानसभा है जहाँ तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तीन आपके दो नगर पंचायतें हैं, तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन अभी भी डॉक्टर हैं तो बिल्डिंग नहीं है, कॉलेज है तो कॉलेज के लिए बिल्डिंग नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सड़क स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की आप बात करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं सरकार बना ले या कि जीत जाए, फिर भी उपेक्षित है। देखिए गुड़ विधानसभा क्षेत्र तो कमीशन के लाइन में चल रहा है पूरी तरह, चाहे स्वास्थ्य के विभाग हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, कमीशन व्यवस्था से हर जगह कमीशन व्यवस्था लागू है। और जब सेवकन का कहू का कमीशन दे का है तो जनता का सुविधा तो नहीं मिल सका, जनता सिर्फ लूट सका थी। और यह कारण है कि हर जगह एजेंट लोग फिक्स हैं और सही सुविधा सही अधिकारी कहो नहीं आई, जनता के हित या जनता के मन के बात कहो नहीं सुनी जाए ना उनका सम्मान होत। विपक्ष भी विरोध नहीं कर रहा, ज्यादातर खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा किसी तरह से बड़ा आंदोलन या किस तरह से कि आप सतर्क करो दूसरे नंबर पर है। आंदोलन होता है विरोध होता है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शासन तंत्र अब एक तरफा है, अपना के आवाज सुनी नहीं जाए, अपना के आवाज कहो मीडिया में नहीं आवे, और जनता के मन के जनता के भावनाओं के कहो सम्मान नहीं है। अभी ताजा उदाहरण रायपुर के है जहाँ कुछ अतिक्रमण रहा है और कुछ विधि के विरोधाभास रहा है, सड़क चौड़ीकरण हो के योजना ही, और क्षेत्र के विकास के प्रति सब लोगों के लगाव है, सब लोग सकारात्मक है उस दिशा में, परंतु जनता के भावनाओं का प्राथमिकता मिले चाहिए। हम लोग आंदोलन की हैं और तहसीलदार SDM साहब से निवेदन की हैं कि अपना चूना डलवाई और लोगों का समय दी ताकि लोग अपन स्वतः सामान सामग्री हटा सकें और सरकार द्वारा जबरदस्ती ना होए, जो लोग वह अनुशासन के पालन न करें उनके साथ फिर कड़ाई कीन जा सका थी, परंतु अखर कोनो भावना के जनता के कदर नहीं कीन गए, आज चूना डाला और कल से गिराव चालू कई दिन गए। तो सरकार के जब सरकार बहरी हो और तानाशाही रवैया हो तो फिर अब हम पंचे के पास विरोध करे के और अगले चुनाव में जाए के अलावा विकल्प नहीं बचे। जनता भी जिस तरह से अभी आपको पर्सनल आपको कांग्रेस पार्टी को छोड़ के BJP को छोड़ के बात करें तो जिस तरह से लोगों को समर्थन आपको मिला, निश्चित है कि जनता चाहती है कि ऐसे हमारे सामने आए प्रतिनिधि तो जिनको मिले, लेकिन अभी भी जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी चर्चा में रहती है अक्सर, गुटबाजी
कांग्रेस कांग्रेस को हरा देती है। ऐसे में इस पार्टी से लड़के लड़ना और फिर जनता के बीच में जाकर खड़े उतरना क्या लगता है, कितना मुश्किल होगा कि आसान? नहीं, आसान और मुश्किल के तो प्रश्न अलग है। संघर्ष तो हर रास्ता में है और संघर्ष करा संघर्ष जेके हिस्सा में आवत है, हम तो सौभाग्य मानी थे। जहां तक बात गुटन के आवत थी कि कांग्रेस पार्टी गुटमो बटी है, तो कहो के कही सुनी बात पर ना जाइए, परिणाम अपना के सामने है। आज अपना रीवा में विराजमान है, रीवा नगर निगम के चुनाव सामने है, मेयर के चुनाव है। हम पंचे के पार्टी के मेयर अजय मिश्रा बाबा जी चुने गए हैं और यहाँ के चुनाव में देखा कहा कि कांग्रेस पूरा एकजुट होकर लड़ी है और भाजपा 18-20 खेमाओं बटी रही है और परिणाम सामने है कि तमाम 8 विधायक रीवा जिला में होए के बाद अपन अपन वार्ड, सिर्फ एक विधायक जी के वार्ड भाजपा जीत सकी ही, बाकी सलगे वार्ड हारी है। तब एक अपना देख ले कि कांग्रेस में गुटबाजी है या भाजपा में गुटबाजी है। तो दोनों को पटका नहीं दी है पहले गुड़ में, हम तो पटका नहीं मानेंगे कि बीजेपी से कांग्रेस को मिला, कांग्रेस से बीजेपी में। इसलिए मेरा पूछना था कि दोनों से सामंजस्य बनाना, वहां के नेताओं का पुराने हैं, आप युवा हैं, दोनों तरफ से गए, तो दोनों के बीच में सामंजस्य आपको बनाना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं से, समाजवादी के नेताओं से, निर्दलीय भी रहे। खासकर जिस तरह से पार्टियों को लोग चुने, वहां की जनता पार्टी के नेताओं को वोट दी लेकिन कोई खरा नहीं उतरा, उसका परिणाम भी था कि आपके साथ अच्छा सपोर्ट मिला जब निर्दलीय थे, तो अब पार्टियों पर जो विश्वास नहीं रह गया उसका मेरा पूछना था, उससे कैसे सामंजस्य बन पाएगा क्या? जी पूरा सामंजस्य बनी और हम तो अपन सौभाग्य मानी थे कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण के पूरा आशीर्वाद और सहयोग है और भाजपा के बहुत पदाधिकारीगण हैं, सदस्यगण हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका आशीर्वाद हमका प्राप्त है और पूरे क्षेत्र में जो सकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं उनका सबके कृपा आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है। पिछला चुनाव अपना समीकरण जानी थे, चतुष्कोणी मुकाबला रहा, वोट विभाजन के कारण कोहो के पक्ष में निर्णय आ जाए। हम तो निर्णय तब माने थे जब 50% के ऊपर वोट मिले, 20% वोट पाए के 25% वोट वाई के परिणाम कोहो के पक्ष में आ जाए तो वह जनता के आशीर्वाद न हो, वह सिर्फ एक समीकरण के स्थिति है। तो अब इस बार चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगे आप, ऐसा कुछ है आया कि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? क्योंकि आप दो बार जिस तरह से मेहनत की थी और आपको सफलता सामने आई थी जिस तरह से दिखा था, तो जनता को तो ये आशा है कि आप कांग्रेस में आए हैं, तो कांग्रेस एक ऐसा पार्टी को, वहां के क्षेत्र के लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि हमको ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी भी मिलेगा जो हमारे बीच में होगा। जी नहीं, बिल्कुल हम वचनबद्ध हैं और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रति उनके सेवा क्षेत्र हमें जो दिशा में जो निर्णय ले पड़ी वो हम निर्णय ले और हम एक कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमें मौका दे तो हम बिल्कुल चुनाव मैदान में रहा। अगर कहीं दूसरी जगह से लड़ाती है? अभी तो यह प्रश्न नहीं है, अभी तो ये प्रश्न नहीं है। हमार कर्मभूमि तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र है और अभी हम कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम ले चाहे वो काम। अगर नहीं लड़ाती है, मान लीजिए आ जाते हैं, कई बार देखे होंगे दूसरे प्रत्याशी आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, तब फिर क्या जनता? देखिए यह तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में तो एक मुद्दा है कि यहाँ के जनता बाहरी प्रत्याशी से, बाहरी प्रतिनिधित्व से परेशान है, यह एक आम मुद्दा है और बाहरी प्रत्याशी का ना तो हम और ना क्षेत्र के जनता स्वीकार करेगा तैयार है, चाहे कोनो पार्टी के हों। एशिया का बड़ा सोलर प्लांट लगा, सीएसआर मद होती है कि जहां वहां इस जमीन ली गई उपयोग किया जाता है, कई बार देखने की अगर बाहर उपयोग किया जाता है, कभी रीवा में लगा दिया गया, कभी अस्पताल में लगा दिया गया, जो स्थानीय नेता होते हैं अपना श्रेय लेते हैं, लेकिन राशि कहां की है? गुड़ के जनता की है, गुड़ के बीच के लोगों, वो नहीं मिल पाती। तो क्या इसके लिए लगता है कि लोग बाहर से शोषण करते रहे, उसी के कारण है कि जो आवाज उठने लगी कि लोग स्थायी होना चाहिए, वहां को होना चाहिए जिसको दर्द हो? नहीं बिल्कुल, अपना जो कह रहे हैं सीएसआर फंड के सबसे बड़ा अधिकार गुड़ विधानसभा क्षेत्र के है, लेकिन रीवा जिला में एक नरम तानाशाही की व्यवस्था है। तानाशाही दो तरह की होती, तो नरम तानाशाही की व्यवस्था है कि व्यक्ति विशेष के इच्छा पर, इशारा पर सब कुछ होए। और यह हम पंचे सबके जानी थे, कोनो छुपी बात नहीं है कि पावर प्लांट के, सोलर प्लांट के जो कुछ सीएसआर फंड आवत है उखर सिर्फ दुरुपयोग होत है, उखर आज तक सदुपयोग कहों गुड़ विधानसभा क्षेत्र में देखे का नहीं मिला है। थोड़ा बहुत फंड कष्टहर नाथ भगवान के मंदिर में लगा है,
परंतु ओहो मां अनुपातहीनता है, जितना बतावा जाता है आप जब अपना सामने काम देखब तो अनुपात में नहीं है। आपने गरीबों के लिए काम किया, गरीबी जिनके पास समर्थ नहीं था, शादी करवाने के लिए कार्यक्रम आयोजन किए, सभी के लिए किया। अगर अभी जनता कांग्रेस टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जीत होती है, तो कौन से ऐसे भी चीज़ें हैं 10 में जो पहली प्राथमिकता होगी कि अपने गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये चीज़ें होनी चाहिए, चाहे सड़क में हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो? देखिए, सबसे पहले कोनो जनप्रतिनिधि के दायित्व होते हैं जनसुलभ रहब। अगर अपना का जनता की सेवा करे के अवसर मिला था तो अपना पूरी तरह से 24 घंटा जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता जब चाहे तब अपना से मिल सके। हमार लड़ाई ये बात की है और यदि जनता ऐसा मौका दे थी तो हमार प्रयास रही कि जो मूलभूत सुविधा से अभी तक क्षेत्र वंचित रहा है उखा युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़के मैदान पर लावा जाए और जितनी शासकीय जनहित की योजना है उनका जन जन तक युद्ध स्तर पर पहुंचावे के प्रयास की जाए। अच्छी योजना है सरकार के, परंतु जब पात्र व्यक्ति उखा लाभ ना पाई तो योजना व्यर्थ है। तो हर पात्र व्यक्ति के घर दरवाजा तक कोई योजना पहुंचाई जाए और सब लाभान्वित हों, क्षेत्र में युवा का रोजगार मिले, पावर प्लांट इतना बड़ा हम पंचे के यहाँ है तो स्थानीय युवान का कम से कम 75% रोजगार वहाँ मिले चाहिए। सड़क की व्यवस्था ही, बिजली की व्यवस्था ही, आज तमाम गांवन में ट्रांसफार्मर जले हैं लेकिन जनता के कहाँ सुनवाई नहीं। तो ये थे हमारे साथ कपिध्वज सिंह जी। निश्चित तौर पर 2023 वहाँ की जनता, गुड़ क्षेत्र की जनता जो वादा चाहती है, जो जनप्रतिनिधि चाहती है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। स्थानीय होना चाहिए, जनप्रतिनिधि स्थायी होगा, जिसको दर्द हो, विधानसभा क्षेत्र का दर्द हो, लोगों से जुड़ा हो, सीधे लोग मिल सके, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए वंचित क्षेत्र में आशा है कि आने वाले समय में वहाँ की जनता कपिध्वज सिंह जी को समर्थन देगी। और इसी आशा के साथ है और साफ कहना है कि जनता के लिए लड़ना है और फिर लड़ना है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और इनकी निहित स्वार्थों के चलते पिछड़ा हुआ है। आने वाले 2023 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है और आगे किस तरह के विकास होते हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।